मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। रचाकोंडा पुलिस ने 2 मुख्तलिफ केसेस को हल करते हुए महाराष्ट्र और कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद राजेश वैद, सुशील बैरा, वेंकट हरीश को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर एसओटी ने हयात नगर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए 2 इंटर स्टेट ड्रग ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 15 लाख रुपये मालियाती 4 लीटर हैश ऑयल को जब्त कर लिया। दूसरे केस को हल करते हुए एलबी नगर एसओटी और महेश्वरम पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए संतूर साबुन से लदी लारी को धोखे से चोरी करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 35 लाख रुपये मालियाती संतूर साबुन और 1,55,000 रुपये नकद रकम और 1 लारी को जब्त कर लिया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने प्रेस मीट करते हुए सारी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और सुनते हैं मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटरस्टेट ड्रग पेडलिंग गैंग का जो केस है, ये हयात नगर के पास में भाग्यलता कमान के पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हमारे एसओटी टीम और हयात नगर पुलिस ने मिलकर 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास में एक गिफ्ट बॉक्स में 1 लीटर और एक ग्रीस का कंटेनर बॉक्स में 3 लीटर ऐसा 4 लीटर हैश ऑयल इनके पास से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट में कीमत 15 लाख रुपया है। ये लोग वैजाग से ये माल उठाए, इनको संतोष कुमार और संजीव राव नाम के सप्लायर ने, एक कोना शिवा और पप्पू नुक राजू करके ये 2 लड़कों को ये माल यहाँ हैदराबाद में डिलीवरी के लिए दिया था। और डिलीवरी लेने के लिए कोई आपको यहाँ हयात नगर में आके मिलेगा करके बताया था, और हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए इन दोनों को हमने हिरासत में लिया। कोना शिवा और पप्पू नाक राजू दोनों भी वैजाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और उनको जो सप्लाई किया संतोष कुमार और संजीव राव, वो भी वैजाग से रहने वाले हैं। इस केस में अभी हमने हयात नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है NDPS एक्ट के तहत, और इनके खिलाफ हम PD एक्ट का भी एक करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए हमारी कोशिश रहेगी। इस केस में अच्छे काम के लिए भी मैं एसओटी टीम एंड हयात नगर टीम को कैश रिवार्ड से नवाज रहा हूँ। धन्यवाद। एसओटी रचकोंडा और महेश्वरम पुलिस ने एक संतूर सोप कैरी करके जो लॉरी जा रहा था, वो लॉरी को मिसअप्रोप्रिएट करने का एक फ्रॉड को डिटेक्ट किया है। इस लॉरी में तकरीबन 1300 बॉक्सेस थे संतूर सोप की, जिसकी कीमत बाजार में 39 लाख से ज्यादा है। तो 2 ड्राइवर जिन्होंने ये लॉरी को माहेश्वरम के विप्रो का जो हब है वहाँ से ये लॉरी उन्होंने लिया, और कुक्कुर डिलीवरी करने के बदले ये लोगों ने ये लॉरी पहले संगारेड्डी लेके गए, और वहाँ से ये मत्स्या बोलाराम वहाँ पे ये जो लॉरी में जो लोड था वो शिफ्ट किया, उसमें से तकरीबन 188 बॉक्सेस उन्होंने लोकल में बेचे, बचे जो 1112 बॉक्सेस हमारे SOT टीम ने रिकवर किए, उसके साथ साथ 1,55,000 कैश भी इनसे हमें बरामद हुआ है। ये जो लॉरी है महाराष्ट्र पासिंग का लॉरी भी रिकवर हुआ है, एक होंडा एक्टिवा बाइक, स्मार्ट मोबाइल फोन 4 और कीपैड मोबाइल फोन 3, ये पूरा सामान जो है तकरीबन 53,50,000 वर्थ रिकवरी इन लोगों ने किया है। ये जो इसमें जो एक्यूज अभी अरेस्ट किए हमने, 2 एक्यूज है, एक का नाम राजेश वैद अलियास मनोज परमार है, वो महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला है, और दूसरा जो एक्यूज है उसका नाम सुशील बेरा अलियास अभिजीत करके, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। वो दोनों भी ड्राइवर है, और इससे पहले यहाँ हैदराबाद सिटी में ये लोग कुछ पीरियड के लिए काम कर चुके, इसलिए उनको सिटी के बारे में अच्छी तरह जानकारी है।
ये इस तरह से लोड डाइवर्ट करके उसमें से जो माल है वो बाजार में बेच के पैसा कमाना, ये इन्होंने डिसाइड करने के बाद ही इन्होंने ये क्राइम किया। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र में जो धुले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस भी खोला और एक रुकनुद्दीन नाम के आदमी से 70,000 रुपये महीने के लीज बेसिस पे एक लॉरी भी उन्होंने वहाँ पे लिया हुआ है। इनके इस जो रैकेट है इसमें इन दोनों के अलावा वेंकट नाम का एक शख्स और एक परिश नाम का, दोनों पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट करना बाकी है। बाकी 100% रिकवरी इस केस में हुई। इस केस में अच्छे काम के लिए मैं एसओटी टीम और हमारे माहेश्वरम पुलिस उन सबको कैश रिवार्ड देने वाला हूँ। धन्यवाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।